गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री महाकाल जी। तो अभी बस सुबह सुबह सो के उठे और आज कोई वॉक वगैरह पे नहीं गई हूँ मैं, और सुबह से लग गई थी। थोड़ा सा टचअप देना था इसके प्रोजेक्ट को, तो इसका प्रोजेक्ट बन गया है फाइनली। वो बेटी का कुछ दिन पहले विजिट था, तो इसे टेम्पल ले गया था, तो टेम्पल थीम पर प्रोजेक्ट बनाना था। तो मैंने ये थोड़ा सा DIY करके बनाया है प्रोजेक्ट इसका, और मिस्टी का भी इसमें कुछ कुछ हाथ है। ये छोटी छोटी सी जो है ना, ये क्या बोलते हैं, पेपर से बनाई है, तो वो सब मिस्टी ने बनाई है। और ये मैंने थोड़ा सा, मेरे पास कपड़े बचे हुए थे तो उसका इस्तेमाल किया है, कार्डबोर्ड रखा हुआ था उसका इस्तेमाल किया है, उसी पे कपड़े को रैप कर दिया है। और लड्डू की जगह मैंने ये जो रायते वाला बूंदी होता है ना, उसको यूज़ किया है मोती चूर के लड्डू बनाने का इसमें दिखाया। इससे क्या, ये लॉन्ग टाइम तक रखा रहेगा, सड़ेगा भी नहीं, इस हिसाब से मैंने इसे रखा है और दिया बना करके रख दी है। और गणेश जी मेरे पास रखे हुए थे, ये मेरी पहली गाड़ी के हैं तो मैंने इसी में लगा दिया, और बेटी का नाम भी लिख दिया है इधर। तो ये था आज का, मतलब इस बार का प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट सेकेंड क्लास का। अब चलते हैं किचन की तरफ और करते हैं सुबह सुबह के खाने पीने की तैयारी। चढ़ा दिया है भगोना और यहाँ है मेरे पास चना की दाल, तो आज बनेगी पूड़ी चने वाली दाल की। तो आज ली है चने की दाल, तो चने की दाल की पूड़ी बनने वाली है। तो चने की दाल कर दाल को धो करके चढ़ा दिया, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से पका लेंगे। इसको ज़्यादा पानी नहीं लगता है पकाने के लिए, सब बस मात्र डाला है छोटी सी ग्लास में, समझ लो कि डाला है लगभग लगभग एक ग्लास का चौथाई हिस्सा उतना ही पानी डाला है। और ये आराम से पक कर के तैयार हो जाएगा क्योंकि भीगी हुई दाल है ना, और इसे ढक कर के छोड़ देंगे, आराम से पकता रहे। तो आज मुझे बनाना था दाल वाला पराठा, तो चने की दाल के पराठे बनेंगे, बहुत अच्छी लगती है, उसे पूड़ी भी बनती है, पर पूड़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सा हो जाएगा, तो पराठे से काम चलाएंगे आज हम। वैसे दाल वाली दाल के पराठे अक्सर बनते हैं, पूड़ी बहुत कम ही बनती है। तो और इसके साथ ना ये रस्से वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है और खाने में भी नहीं आती है बिल्कुल, एकदम ऐसा लग रहा है गले पे ना पूड़ी रखी हुई हो, अंदर जाएगी ही नहीं, तो इसीलिए रस्से वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी और साथ में थोड़ी सी गोभी भी डाली थी, तो सबको अच्छे से धो लिया था। और प्याज और लहसुन अदरक को सब कुछ डाल देंगे इसमें, प्याज लहसुन और अदरक बाद में डाला था, प्याज मैंने डाल दिया था, साथ में गोभी और आलू डाल दिए थे। और ये थोड़ी सब्ज़ी खट्टी खट्टी बनेंगी क्योंकि गर्मी में ना थोड़ी खट्टी सब्ज़ी अच्छी लगती है, और गर्मी में ही खट्टा अच्छा खा सकते हैं, बाकी मौसम में तो तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी गला कभी सर्दी जुकाम, इन सब का डर होता है, गर्मी में आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी अच्छे से भुन गई थी और इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें, और लहसुन अदरक भी डाल दी थी बाद में, और इसकी सबकी अच्छे से भुनाई हो गई है। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने टमाटर, और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें धनिया पाउडर भी, और सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें जो धनिए का जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना हरे धनिए का, वो डाल दिया था, और अच्छे से टमाटर को गलने देंगे। और यहाँ पे आटा निकाल रही हूँ, इस आटे का मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मेरे घर में मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ होता है, और मैं अपने लिए तो अलग अलग तरह के ग्रेन्स यूज़ करती हूँ, तो कभी मक्का बाजरा ज्वार इस तरह की चीज़ रोटियाँ मैं खाती हूँ। तो ये वाला जो पराठा है ना, तो गेहूं के आटे के साथ बहुत परफेक्ट जाता है और थोड़ी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाती है, तो इस हिसाब से मैंने इसका बनाया था। तो यहाँ सब्जी अच्छे से गलने लगी है, लगभग लगभग टमाटर पूरा गल गया है, और इसमें मैंने कुछ कुछ मसाले डाल दिए थे, तो थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला डाला था, और आराम से पानी डाल दिया, इसे आराम से गलने देंगे 5-10 मिनट तक, तो सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। और यहाँ दाल पीसेंगे तो सिलवट्टे का यूज़ करूँगी, इसमें बहुत परफेक्ट निकल करके आती है दाल का, ये जो दाल का ये मसाला बनाते हैं ना, ये बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे एक हरी इलायची ली थी, लौंग ली थी, साथ में काली मिर्च ले ली है, और दाल जो मैंने उबाली हुई थी ना बिल्कुल सूखी सूखी रहनी चाहिए, आप चाहो तो खुले में भी रख करके, इसे उबाली नहीं है मतलब इसे पानी में डाल करके रखा था, वही जो इतना पानी बताया था, तो अच्छे से ये पक जाती है। तो पकी हुई दाल को इसमें अच्छे से पीस लेंगे और इसमें जाएंगे कुछ कुछ मसाले,
और ये सिलबट्टे में बहुत सही जाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है कि ये अच्छे से पीसते नहीं हैं। इसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पर हींग, तो हींग ज़रूर डालें इसमें। हींग के बिना मतलब मज़ा भी नहीं आएगा खाने में, और साथ में अगर पेट में एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हींग डालना ज़रूरी है। और साथ में हल्दी पाउडर डाला था, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल दाल पकाते समय भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था इसलिए बाद में डाला। साथ में डाला धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक डाला है, और इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं जाएगा। बाकी जो खड़े मसाले थे मैंने पहले ही पीस लिए थे, तो उन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में डाला है धनिया हरा हरा कट करके, और इसका पूरा अच्छे से मसाला बन के तैयार हो गया। अगर नमक कम ज़्यादा लगे तो आप चख के देख सकते हैं। और इस तरह से लोइयां बना लेंगे, और जितनी भी ये दाल है ना इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, थोड़ा हिसाब से ही डालें, ज़्यादा ना डालें। मैं तो 2 चम्मच भर के डाला था अच्छे से। और छोटे बनाना चाहें पराठे या बड़े बनाना चाहें आप अपने हिसाब से बनाएं, तो यहाँ मीडियम साइज़ के मैंने बनाए थे। और ये पराठे हैं ना दूसरे दिन भी खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर उसके साथ ना आप आम रस के साथ खाओ। ये हमारे इधर तो आम रस के साथ ही ज़्यादा खाते हैं, रस्से वाली सब्ज़ी से कटहल की सब्ज़ी के साथ हमारे यहाँ इसे खाया जाता है, कटहल की सब्ज़ी। और ये दाल वाली पूड़ी तो बहुत फेमस है रीवा की तरफ में, सबके घर में बनती है इस मौसम में। जब भी कटहल का मौसम आता है तो ये पूरन पूरी बोलते हैं हमारे इधर पे, पूरन वाली पूरन वाला पराठा, और महाराष्ट्र में इसमें गुड़ में डाल के बनाते हैं इसी दाल के साथ, और इधर एमपी में चटपटा बनाते हैं इसे। और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, ज़बरदस्त लगती है, और जब गरम गरम हो ना तो आप ऐसी ही सूखी सूखी खा लो, बहुत सही लगती है। तो इस तरह से सारे पराठे मैं बना लूँगी, तो खाना वगैरह बना लेंगे। इसके बाद मैंने चूल्हे की सफाई कर ली थी, और ना बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था, 12 बज रहे थे क्योंकि एकदम घने काले बादल आ रखे थे। और इधर मैं वॉशिंग मशीन लगा रही थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, बस ऐसे ही थोड़े मोड़े घर के पूरे काम निपटाए। और बीच बीच में पानी भी चला गया था क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी। इन्वर्टर से घर में लाइट तो रहती है बट वॉशिंग मशीन नहीं चलती है, तो बस कैसे भी करके मैंने आज कपड़े धोए। बहुत देर में थोड़ा काम हुआ पानी की वजह से, क्योंकि गर्मी आ गई है, थोड़ी पानी की दिक्कत होती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी टंकी का पानी ख़त्म हो जाता है, तो फिर लाइट नहीं रहती है तो भर भी नहीं पाते हैं, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो अब तो मैं कोशिश करूँगी, अब जब पानी कम होने लगा है तो मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करूँगी कि पानी स्टोर करके रखो और काम टाइम से निपट जाए, क्योंकि अब धीरे से बच्चों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बच्चों के साथ रहो ना तो पानी तो बहुत ज़्यादा ही लगता है, अभी तक तो बच्चे स्कूल में थे तो इतना पानी का यूज़ नहीं हुआ था होता था, पर अभी थोड़ा पानी का बचत भी करना पड़ेगा और स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। तो इधर मेरे फाइनली मेरा कपड़ा धुल गया था और थोड़ा आराम किया था। तो जी शाम हो गई है और बेटी को जाना है बर्थडे पार्टी में, तो मैडम आज खुद से तैयार हो रही हैं, साहब जी भी रेडी हैं। फिलहाल तो चलते हैं फटाफट से, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और उसमें से फुल पहन रखा है कपड़ा। मैं तो अपना लिप बाम लगा रही हूँ। लिप बाम लगा रही है मैडम। मुझे फिर इशू को भी लेके आना पड़ा। पहले मैंने सोचा चलो 15-20 मिनट की बात है, मिस्टी को छोड़ के आ जाऊँगी, इसे किसी के घर में छोड़ दूँगी, तो इशू को पता चल गया कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वो रोने लगा था। फिर इशू को भी लेके आई, और भाभी काफ़ी ज़्यादा बोल रही थी नहीं आप भी पार्टी में रुको, तो मैं भी रुक गई थी पार्टी में, और बढ़िया सी पार्टी थी, बहुत मज़ा आया था। तो हेडली पिज़्ज़ा आए हुए थे, बहुत बढ़िया है ये, और यहाँ खाने की अनलिमिटेड वैरायटी है, मतलब क्या नहीं था, समझ में नहीं आया था क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, कोल्ड सैलेड्स, हाँ हाँ वो वहाँ कोल्ड सैलेड्स, पीनट चाट माय फेवरेट, जलेबी, जलेबी गर्मा गर्म जलेबी, पेस्ट्रीज, चलो वो वहाँ है, रुको दे रहे हैं, पहले ये दिखा दें। Thank you.
होल्डिंग नहीं चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फाइनली काफी सारे रिटर्न गिफ्ट्स मिले हैं, मिस्टी को भी मिला है। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। आज यीशु गजब का आइसक्रीम खा रहा है ये लड़का, मतलब 2 से 3 बार खाई। तो यहाँ मॉकटेल और आइसक्रीम वगैरह भी अनलिमिटेड मिल रही है। चलें घर, चलो गिरना मत। तो काफ़ी सारा रिटर्न गिफ्ट मिला है, गेम वगैरह भी खेला था बच्चों ने, और मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं आई थी कि मतलब मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी पार्टी को। भाभी ने काफ़ी ज़्यादा बोला कि नहीं आप मत जाओ, पार्टी में रहो, एंजॉय करो। अच्छी सी फ्रेंडशिप हो गई है भाभी से, और चलते हैं अभी घर के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल के दिन। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट कर देना कि अच्छा लगा कि नहीं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। बाय बाय, गुड नाइट।